तो यहाँ पे इतना तो सबको क्लियर है जी। मैं क्या करता हूँ, दो तीन बटन ले लेता, ठीक है। वो दो तीन बटन किधर है, इधर से ले लूंगा जी मैं ये एक दो, ठीक है। तीन हो गया, ये ले लूंगा मैं चौथा। कंट्रोल के साथ मैंने दबा के खींच लिया, ठीक। इस सब को सेलेक्ट मैं कर लेता हूँ जी, ठीक है। और एंकर प्रॉपर्टी में मैं आता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ जी, अलाउ ड्रॉप, ये है एंकर प्रॉपर्टी, इसको टॉप लेफ्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। अभी रन करूँगा तो क्या होगा जी, आप लोग देखिएगा क्या होगा। ऐसे इसको मैंने कर दिया तो ये इधर टॉप में है, ये इधर है, ठीक है। तो मैं इसको बंद करता हूँ और इन सब का जो है मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को बदलता हूँ और नेम प्रॉपर्टी भी बदलूंगा। क्या इसका कर देता हूँ, इफ आई आर एस टी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कर दो, ठीक है। और इसको भी कर दूंगा, मैं नाम को भी बदल के कर दूंगा जी, फर्स्ट, एफ आई आर एस टी फर्स्ट कर दिया। इसका नाम बदल के क्या कर दूंगा जी, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसका नाम बदल के, नहीं होगा जी, एन ई एक्स टी नेक्स्ट, बी टी एन नेक्स्ट बटन इसका नाम कर दिया मैं, ठीक है। और इसमें कर देता हूँ बटन के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में एन ई एक्स टी नेक्स्ट, ठीक है। इसका मैं क्या कर दूंगा जी, प्रीवियस, प्रीवियस कैसे है? मैं प्री लिख के प्री वी, स्पेलिंग बताओगे क्या आप लोग प्रीवियस का, नहीं बताओगे? प्रीवियस माने पिछला, बताओ। मैं प्री लिख के छोड़, इतना ही छोड़ दूं, ये कर दूं, बैक हो जाएगा इधर से, ठीक है। मैं बैक ही रहने देता हूँ जी, मेरे को नहीं आता उतना अंग्रेजी, बीएससी के बैक कर दिया इधर, ठीक। इसको क्या कर दूंगा मैं, लास्ट, इस पर क्लिक करें तो क्या हो जाए, लास्ट इमेज दिखाई देने लगे, ठीक है। और इसको भी क्या कर दूंगा मैं, लास्ट, ठीक हो गया जी लास्ट। रन करता हूं मैं प्रोग्राम। अब मेरे पास अभी कुछ आइकन वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं इसमें आइकन वगैरह भी सेट करके आप लोगों को दिखा देता, पर आइकन है नहीं मेरे पास अभी, ठीक है। तो मैंने क्या चाहता हूं, मैं ओपन इमेज पे मैं जब क्लिक करूं, ठीक है, तो ढेर सारा इमेज आए और मैं क्या करूं, वहां से मैं कुछ इमेज जो है निकालूं, ठीक है, ढेर सारा इमेज मैं सेलेक्ट करूं और फिर इसको शो करा दूं, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग को थोड़े देर के लिए करता हूं पॉज और खोजता हूं 10-20 फोटो। तो एक ही तरह का मैंने एक ही इंसान का फोटो डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक ही ठो मिलवे किया अभी, ठीक है, एक ही इंसान का। चलिए इतना फोटो मैंने इमेज फोल्डर में यहाँ पे रख लिया है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है, करेंगे इसको रन, ठीक है। ओपन इमेज में मैं क्लिक करता हूँ और अब आऊँगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे और फिर आऊँगा इमेज पे, ये जो है, और यहाँ पे आ जाऊँगा जेपीजी में, तो फोटो आ गया इतना सारा। कंट्रोल दबाता हूँ या शिफ्ट दबा के खींचना शुरू करता हूँ या कंट्रोल दबा के ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा जी, मल्टी सेलेक्शन जो है चालू करना पड़ेगा। अब मल्टी सेलेक्शन कैसे होगा, तो मैंने अब डिजाइन टाइम पे मैं क्या किया होता, इधर से कंट्रोल खींच के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया होता तो प्रॉपर्टी इधर से देख लेता मैं, ठीक है, मल्टी सेलेक्शन का। लेकिन मैंने तो वैसा नहीं किया है ना,
मैंने ओपन डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे कोडिंग टाइम पे बनाया है सीधा, तो मैं यहीं पे लगाता हूँ, ये करता हूँ पेस्ट कॉपी करके और डॉट लगाता हूँ और मल्टी सेलेक्टेड, यही है क्या मल्टी सेलेक्ट को मैं क्या ट्रू पास कर दूँ, काम चल जाएगा, ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, देखते हैं मल्टी सेलेक्ट चालू होता है कि नहीं, ठीक है। तो आऊँगा मैं इस पे आऊँगा और इसको कर दूँगा मैं ऐसे, ठीक है, ये देखिए मैं शिफ्ट दबाया यहाँ पे और डाउन एरो दबा रहा हूँ तो सेलेक्ट हो रहा है, इसको कर दिया मैं ऊपर, ई दिख गया यार, तो मज़ा नहीं आया ना, आया मज़ा, अच्छा मज़ा आ गया, चलिए जी, अभी तो एक ही फोटो दिखाई दिया ना, हमको क्या चाहिए, अनेकों फोटो दिखाई देना है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा ये कोड समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना सभी को, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अंग्रेजी में बोले तो डू प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट ये वाला जो है फिल्टर चालू हो, तो मैं यहाँ पे फिल्टर इंडेक्स में 1 कर दिया जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पे मैं कर ये रहा हूँ कि ओपन डायलॉग्स का मैं फाइल नेम को यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, इस फाइल नेम को कहाँ पे डाल रहा हूँ इसमें, और इस पाथ को यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये फोटो सेट हो रहा है, राइट, यही कर रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँगा जी, डॉट नेम्स, यहाँ पे नेम्स प्रॉपर्टी है जो कि एरे टाइप में डेटा लेता है, ठीक, ये एरे को मैंने पास कर दिया यहाँ पे, तो ये पाथ क्या हो गया, इसमें अब कई सारे नेम आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जीरो करके एक्सेस करना पड़ेगा मेरे को, आपको समझ में आया मैंने क्या करा, नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ आपको दूसरे तरीके से, इसको मैं ऐसे हटाता हूँ, ठीक है, आता हूँ मैं ऊपर, यहाँ पे मैं कर दिया पेस्ट, फाइल नेम्स, फाइल नेम करेंगे तो सिर्फ एक फोटो का लोकेशन आएगा इसमें, लेकिन फाइल नेम्स कर दूंगा मैं तो कितना आएगा, हम जितना सेलेक्ट करेंगे उन सभी का जो है लोकेशन इसमें आ जाएगा, ठीक आ जाएगा ना। तो अब एरे का इस डेटा को निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए जी, फॉर ईच लूप मैं चला लेता हूँ, फॉर ईच, ठीक, फोटो इन, ठीक, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैसेज बॉक्स में मैं दिखा दूंगा किसको, फोटो को, ठीक, ऐसे, ठीक है जी, इसमें एरे आएगा, इसका एक एक फोटो उठ के आएगा इसमें और यहाँ पे दिखेगा वो फोटो, माने फोटो का लोकेशन दिखेगा, ठीक है। चलिए ओपन इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से 4 फोटो सेलेक्ट किया, कर दिया ओपन, एक फोटो आया, 2 फोटो आया, 3 फोटो आया और 4 फोटो आ गया, ये दिख गया, ठीक। इसी को फॉर लूप से कैसे चलाएंगे जी, हम आसान काम है, फॉर आई इक्वल टू 0 2, ये क्यों आ रहा है, ओपन डायलॉग डॉट फाइल नेम्स, ठीक, डॉट काउंट है क्या, काउंट तो है नहीं जी इसमें, अच्छा ये है ना, डॉट काउंट, ठीक, -1 कर देता हूं मैं यहां पे, ठीक, ये लो। अब मैं मैसेज बॉक्स में मैं क्या दे दूंगा, मैसेज बॉक्स, और इसमें मैं क्या दे दूंगा यहां पे ऐसे, फाइल नेम्स में ऐसे आकर दूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट में दे दूंगा आई को, ठीक। तो इससे क्या होगा जी हमारा, कि लूप कहाँ तक चलेगा, तो फाइल नेम्स डॉट काउंट किया तो जितना फोटो मैं सेलेक्ट करूँगा वो फोटो का संख्या यहाँ पे आ जाएगा और फिर आई में चला जाएगा 0, ठीक है।
आई में जीरो जाएगा, इसका यहाँ पे संख्या जितना होगा उससे माइनस वन करेगा और उतना तक लूप चलेगा। जैसे मैंने पांच फोटो सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कितना आएगा जी, पांच आ जाएगा, ठीक है। और ये जीरो से चलना शुरू करेगा तो चार चल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे जीरो तो फाइल नेम्स में जीरो नंबर पे जो होगा फोटो वो दिखाई देगा। वन अगर यहाँ पे जैसे लूप चलेगा, एक इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे दो आ जाएगा ना, तो दो नंबर का फोटो दिखेगा। एक इंक्रीमेंट होगा तो तीन नंबर का फोटो दिखेगा, फिर एक इंक्रीमेंट होगा तो चौथे नंबर का दिखेगा, ऐसा ही होगा ना, होगा ऐसा। नहीं समझ में आया, मैं इसको रन करता हूँ फिर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए सिलेक्ट किया, ये देखिए आ गया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, खत्म हो गया, ठीक आ गया इस तरह से। तो ये वाला कोड आपको समझ में आया नहीं आया, या फिर से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत पीछे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं आगे चलूंगा, और नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो बताइए क्या करूं, फिर से बताइए, ठीक है। इस फाइल नेम्स का क्या मतलब है, मान लीजिए कि डीम लिखा, फोटो लिखता हूं मैं, ठीक है, क्या मैं लिख दिया, फोटो एच एस टी आर आई एन जी, ठीक एस टी आर आई एन जी, यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कॉमा दो तीन चार, ठीक। ये जो मैंने खाली बीच में छोड़ा हूँ ना, मान लीजिए कि यहाँ पे फोटो का लोकेशन है, ठीक, ये मान लीजिए कि ये फोटो का लोकेशन है, राइट, ठीक है। और इसमें फिर फोटो है, इसमें कितने फोटो का लोकेशन है, तो चार फोटो का लोकेशन है ना, यहाँ पे मैंने असाइन किया है। तो इसी को मैं क्या करूँगा, अगर बार बार मेरे को सारे फोटो का नाम देखना है तो इसी फोटो को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और लिख दूंगा इसको, क्यों ऐसे लिख दूंगा ना। और फिर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आऊंगा, ऐसे कर दूंगा, यही करूंगा ना, फोटो के जीरो पोजीशन पे ये वाला फोटो निकलेगा, निकलेगा ना, वन पोजीशन पे ये वाला, टू पोजीशन पे ये वाला, थ्री पोजीशन पे ये वाला, ऐसे निकलेगा, यही होगा ना। तो ठीक उसी तरह से ये ओपन डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक, ओपन डायलॉग बॉक्स डॉट फाइल नेम्स जब मैंने करा तो फाइल नेम क्या है, ये है एरे, इस टाइप का एरे है, ठीक, और उसमें कई सारे फोटो का लोकेशन है इस वाले नेम्स प्रॉपर्टी में, ठीक, नेम्स प्रॉपर्टी में कई सारा फोटो का लोकेशन पड़ा हुआ है। कौन कौन लोकेशन पड़ा है, जो मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्यों समझ में आया। अब इस नेम प्रॉपर्टी के जीरो इंडेक्स से निकालना है तो यहां पे लिखना पड़ेगा ना, क्यों, जैसे मैं यहां पे आया और ऐसे कर दूंगा, जीरो नंबर पोजीशन से अगर फोटो के निकालना है तो जीरो लिख दूंगा, टू नंबर से निकालना है तो वन लिख दूंगा, ठीक है, टू से लिखना है तो टू लिख दूंगा, ठीक है, तीन पोजीशन से निकालना है तो तीन लिख दूंगा, ऐसे लिख दिया करूंगा, ठीक है। तो ये जो फाइल नेम्स है वो एरे टाइप का डेटा लेता है, ठीक है। तो एरे का अगर डेटा निकालना है तो पोजीशन देना पड़ेगा ना, इंडेक्सिंग नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे फोटो के मैं इसको जो एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को फोटो वन फोटो टू लिखना पड़ेगा ना, तो ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओपन डायलॉग बॉक्स के नेम प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है। तो कुछ समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, अगर अभी भी नहीं आया तो आप लोग क्या करिए, इस एरे को थोड़ा सा और आप लोग पढ़िए, ठीक। ये डायलॉग बॉक्स के अंदर नेम्स नाम का प्रॉपर्टी है, ठीक,
और वो नेम नाम का, नेम्स नाम का प्रॉपर्टी क्या करता है कि अरे में डेटा होल्ड करता है। कौन सा डेटा भाई? ओपन डायलॉग बॉक्स में हमने एक से ज्यादा फोटो सेलेक्ट किया ना, तो एक से ज्यादा हमको डेटा स्टोर करके रखना है, तो एक से ज्यादा डेटा तो एरे में ही स्टोर करके रखा जाएगा ना, तो इसीलिए नेम्स जो प्रॉपर्टी है वो एरे है। ठीक, इसको मैंने करा ऐसे, इसको यहां से कट करा, ठीक, ऐसे करा और पेस्ट कर दिया यहां पे ऐसे। ठीक, तो पहले यहां पे मैंने एरे लिखा था ना, अब उसी एरे को मैंने फोटो में पास कर दिया। ठीक, तो अब यहां पे क्या होगा, फोटो से जो है डेटा निकलेगा हमारा। ठीक है, ये देखिए ऐसे, क्लियर है? अब तो कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया प्रैक्टिस आप लोग करिएगा 2-4-6 बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए मैं इन सबको कर देता हूं खत्म। ठीक है, तो इतना ये है। ठीक है, फाइल नेम को मैं नेम ही रहने दे रहा हूं अभी। ठीक है, आता हूं डिजाइन टाइम में, प्रोग्राम को करता हूं मैं रन। ठीक है, अभी मैं ओपन करूंगा। ठीक है, ऐसे जैसे ही ओपन करूंगा तो इसमें जो पहला इंडेक्स का होगा डेटा, ठीक है, अभी ये वाला आ गया पहला में, तो अभी पहला वाला जो है फोटो यहाँ पे दिख जाएगा। मैं फर्स्ट पे क्लिक करूं तो क्या हो, फर्स्ट फोटो दिख जाए, तो भी फर्स्ट तो ये दिख ही रहा है बाय डिफॉल्ट। लेकिन फर्स्ट के लिए हम कोड कैसे करेंगे जी? तो कोड लिखना अब हम कर देते हैं शुरू। ठीक, तो मैं आता हूं ऊपर, कहां पे मैं आ रहा हूं, यहां इस फॉर्म के जस्ट नीचे, और यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, डीम इंडेक्स एज इंटीजर इक्वल टू 0। इसको मैंने दे दिया क्या, 0, यहां पे एक ठो बना लिया मैं। ठीक, चलिए जी, इतना तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, आता हूं फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूं मैं, इसमें डबल क्लिक कर दिया। ठीक, ठीक है जी, अब जैसे ही फर्स्ट फोटो पे क्लिक हो तो क्या हो जाना चाहिए, पहला वाला फोटो हमें डिस्प्ले हो जाना चाहिए। लेकिन पहला फोटो डिस्प्ले अगर मान लीजिए हो भी जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो पता तो नहीं चलेगा ना हमें, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए जी, लास्ट वाले पे कोड लिखना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे समझ में आया कि मैं लास्ट में पहले लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो लास्ट वाले में हमको कोड लिख देना चाहिए जी। ठीक है, तो लास्ट में हम कोड लिखेंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट में हम कोड लिखेंगे उसके पहले मुझे कुछ काम कर देना चाहिए जी। क्या काम करना चाहिए, तो ओपन डायलॉग बॉक्स को क्या करना होगा हमको, कि इस ओपन डायलॉग बॉक्स को लास्ट वाले में हमको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स डॉट फाइल नेम यहाँ पे एक्सेस करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे तो ये एक्सेसिबल नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, इंडेक्स को क्या करेंगे, हम आगे पीछे करेंगे। ठीक, और उसके बाद हम क्या कर देंगे जी, इसका एक मेथड मैं बना देता हूं, बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, इसका मैं बना देता हूं एक मेथड। ठीक है, तो यहां पे इसको इंड इफ तक मैं क्या किया, इतना, ठीक, जितना सिलेक्टेड है इतना इसको मैं किया कट, और यहाँ पे एक बना दिया सब रूटीन, और इसमें क्या मैं लिख दूंगा, ओपन इमेज, ऐसे मैंने करके कर दिया एंटर। ठीक, जैसे ही मैं ऐसे लिख के एंटर कर दूंगा तो क्या होगा जी, एरर आएगा, और यहाँ पे जैसे ही एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे जनरेट मेथड
सब रूटीन फॉर ओपन इमेज इन विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म वन, तो इस फॉर्म को बोल रहा है यहाँ पे। अब इसको मैंने क्लिक करा तो क्या हो गया होगा, सबसे नीचे एक फंक्शन अपने आप बन गया होगा, ये देखिए बन गया। यहाँ पे आके कर दिया मैंने इसको पेस्ट, ठीक पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी, हो गया ना। चलिए अब इस वाले को यहाँ से अभी मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नेम के जगह पे मैं क्या कर दूंगा जी, नेम्स, ठीक है, क्योंकि नेम्स में ही तो मल्टीपल आ रहा है ना डेटा, और फिर पाथ में आने लगेगा एरर, तो मैं पाथ के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, इंडेक्स को पास कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा जी इंडेक्स को, ठीक, पास कर दिया मैं इंडेक्स को। इसके बाद अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या कर दूं मैं, सबसे पहले तो इसको मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल बना देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से मैं कट करूँगा जी, ठीक है, और ऊपर मैं आऊँगा यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट, ठीक, ऐसे हो गया, सबसे टॉप में मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, इतना मैंने कर दिया जी। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि लास्ट में दिखाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ओपन डायलॉग्स डॉट फाइल नेम्स डॉट, हम काउंट करते हैं कि कितना जो है टोटल फोटो है, ठीक, तो इससे क्या होगा, काउंट हो जाएगा कि टोटल फोटो कितना है। मैसेज बॉक्स में मैं दिखाऊं कि जरूरत नहीं है दिखाने के लिए, दिखा दूं, दिखा देता हूं जी मैसेज बॉक्स में ऐसे। मैंने फोटो इधर से ओपन करा, ठीक है, ऐसे, और जैसे ही मैं लास्ट पे क्लिक करा तो बोल दिया एक फोटो, एक ही था ना, मैं दो फोटो लेता हूँ जी, इधर से कर दिया ओपन, ठीक है, लास्ट पे क्लिक किया तो ये तीन फोटो आ गया, ठीक। तो मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ जी, इंडेक्स इक्वल टू क्या कर दूंगा, इसको पास कर दूंगा और माइनस कर दूंगा वन। क्यों माइनस वन करूंगा, क्योंकि जीरो से काउंटिंग होता है ना, तो जीरो से काउंटिंग हम करेंगे, ठीक है, तो जीरो से जब काउंटिंग करेंगे तो ये कम होगा ना, नहीं होगा भाई, तीन फोटो हमने सेलेक्ट किया तो सीधा तीन दिखाया, ठीक है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे तो जीरो से काउंटिंग होता है ना, इंडेक्सिंग नहीं होता, अरे जीरो से होता है, तो जीरो वन टू, ठीक है, तो तीन लेंथ आता है काउंट, ठीक है, तीन फोटो सेलेक्ट होता है तो काउंट में तीन आता है, तो तीन में हम एक कम करेंगे तो दो हो जाएगा, और जीरो से दो तक तीन हो जाएगा ना। चलिए जी, जब तीन हो जाएगा तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे माइनस वन कर देंगे, ठीक, टोटल फोटो तीन ओपन हुआ, काउंटिंग किया तो तीन आया, अब तीन में माइनस करेंगे वन तो इक्वल टू हो जाएगा दो, अब दो दिखा देंगे तो जीरो से दो तक तीसरा फोटो का हमारा लेंथ हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए सेव किया, मैं कर देता हूँ रन, ठीक, ओपन इमेज पे मैंने क्लिक करा, ये तीनों फोटो को सिलेक्ट किया, कर दिया मैं ओपन, आ गया। अब लास्ट वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इतना बड़ा ना इंसाफी है यार, ये कुछ हुई भी नहीं किया, नहीं हुआ ना, बहुत ना इंसाफी है, दो चार बार और दबा दे रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ जी, होना चाहिए था ना कुछ। चलिए जी, तो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यों होने के लिए स्ट्रेच इमेज क्या करता हूँ मैं, इस इफ को भी तो कॉपी कर लेना पड़ेगा, इस इफ को भी कॉपी कर लूँ ना करूँ,
रिजल्ट डायलॉग्स देन, अरे यार वेरिएबल तो अच्छा जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ए लीजिए जी। मोड भी सेलेक्ट करने का मुझे जरूरत नहीं था लेकिन मैंने सेलेक्ट कर दिया। आ गया, लास्ट पे क्लिक कर दूं, ये आ गया लास्ट वाला। सच में ये लास्ट वाला ही है ना, फिर से लास्ट पे क्लिक करूंगा तो अब होने वाला क्या है? कुछ नहीं जी, ठीक है। तो इसको क्या करो जी, गायब कर दो, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही कोड जो है कॉपी पेस्ट अब हम मारेंगे हर जगह, इतना वाला कोड, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट मार ले रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करिएगा, पूरा टाइप ही कर दीजिएगा, ठीक। अगर आप बार बार टाइप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक। चलिए जी, अब लास्ट वाला हमने कोड लिख लिया है ना, तो अब हमको क्या जरूरत, ये पांच जो है ना जी, इसको मैं यहां से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और इसको मैं यहां से कट करके यहां पे पेस्ट कर देता हूँ पांच वाले में, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने से भी काम चल जाएगा, वेरिएबल बनाने का जरूरत नहीं है। मैं समझाने के लिए वेरिएबल बना के काम कर रहा था, ठीक है। चलिए जी, अब इसी को मैं फर्स्ट वाले पे कॉपी पेस्ट करूंगा। तो ये वाला फर्स्ट बटन है ना, यहां पर मैं आऊंगा और क्या करूंगा, इसी को कर दूंगा जी मैं पेस्ट, ठीक। और इंडेक्स में मैं क्या डाल दूंगा, जीरो, ठीक। चलिए जी देखते हैं क्या होता है, इससे हमारा काम बनता है। तो इन दो तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, लास्ट करूं तो ये दिखना चाहिए, फर्स्ट करूं तो ये दिखना चाहिए, राइट। ओपन पे क्लिक कर दिया, फोटो को मैं बड़ा करता हूं, लास्ट पे क्लिक किया, आ गया। फर्स्ट पे क्लिक करूं तो आ गया, क्या बात है यार, हमारा तो काम करने लगा, सॉफ्टवेयर करने लगा ना, कितना खुशी का बात है। चलिए जी, अब इसको मैं करता हूं बंद। अब इसके बाद हमें कहां कोड लिखने का जरूरत है, नेक्स्ट पे लिख दूं क्या, पक्का? चलिए जी, नेक्स्ट पे भी हम कोड लिख देते हैं। यहां पे डबल क्लिक करा नेक्स्ट बटन पे, अब मैं ऊपर वाला ही कोड को कॉपी पेस्ट करता हूं, ठीक है। ये लीजिए, यहां इतना मैंने कोड कॉपी करा और यहां पे आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए, इतना कोड मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, आप टाइप कर देना सही इतना, ठीक है। आप अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा जी, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या करना चाहिए, हमें यहां पे करना ये चाहिए, इस इंडेक्स को जो है बढ़ाना चाहिए, ठीक। इंडेक्स को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाना चाहिए जी, देखिए इक्वल टू का साइन दिया, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, ठीक, ऐसे हमको बढ़ा देना चाहिए जी, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं जी, ये देखिए पहला फोटो शो हो रहा है, हो रहा है ना। इसको करता हूं नेक्स्ट पे क्लिक, क्या बात है यार, ये तो जादू हो गया ना। चलिए जी ऐसे ही कर लीजिएगा, फिर क्लिक किया तो ये लास्ट वाला फोटो आ गया। फिर से क्लिक करूं क्या, कर दूं? अब फिर से क्लिक करूंगा तो क्या होगा जी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होगा, बड़ा अच्छा होता जब कुछ नहीं होता, लेकिन यहां पर आ जाएगा एक्सेप्शन एरर, आ गया एक्सेप्शन एरर। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन एरर आया, आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, आउट ऑफ रेंज। भाई फोटो तीने ठो था और आप एक्सेस करना चाह रहे हो चौथा फोटो, कैसे एक्सेस होगा, नहीं होगा ना एक्सेस। भाई इस नेम प्रॉपर्टी में दो तक अगर आप एक्सेस करना चाह रहे तो दूसरा इंडेक्स का फोटो आ गया, लेकिन तीसरे का फोटो कैसे आप लोगे,
तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया कि आउट ऑफ रेंज हो गया अरे, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कंडीशन लगाना चाहिए यहाँ पे, ठीक। क्या कंडीशन लगाना चाहिए जी, इंडेक्स को मैंने कॉपी करता हूँ, इंडेक्स अगर, ठीक है, लेकिन क्या मैं कंडीशन लगाऊँ, इंडेक्स अगर लेस देन है या इक्वल टू है किसके, तो फाइल नेम्स डॉट काउंट, ठीक है, काउंट माइनस वन के, ठीक ठीक है जी। यहां पे शायद लेस इक्वल टू मैं देता हूं अभी, इक्वल टू अगर अभी हटा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि काई को लगाया और काई को हटाया, ठीक है। तो यहां पे आके पेस्ट कर दिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इंडेक्स अगर इंडेक्स हो टोटल इंडेक्स के, इसका क्या मतलब है जी, टोटल इमेज, ठीक है, जैसे टोटल इमेज है तीन, ठीक, यहां पे काउंट में आ जाता है तीन, तो फोटो कहां तक शो होगा, दो ही तक शो होगा ना, क्योंकि जीरो से शो होना है, और ये काउंटिंग कहां से करता है, एक से, तो एक दो तीन, तीन फोटो हो गया, पर जीरो से काउंटिंग करेंगे तो जीरो एक दो तीन हो गया, तो यहां पे माइनस वन कर देंगे। अगर इसके लेस देन है, ठीक, तो क्या, या बराबर है तो कर दो यहां पे प्लस, ठीक है, लेस देन लगाया हूं, एक्सेप्शन फिर भी आएगा, लेकिन चलिए मैं अभी हटाऊंगा नहीं उसको। तब क्या करो, इंडेक्स को एक एक बढ़ाते जाओ, ठीक, लेकिन अगर क्या है, इंडेक्स जो है छोटा या बराबर नहीं है टोटल फोटो से, तो क्या करो, इंडेक्स का वैल्यू कर दो जीरो, ठीक, जीरो कर दो, ठीक, इतना क्लियर है आपको। जैसे ही जीरो कर देगा तो क्या होगा, फिर से पहला इमेज दिखने लगेगा, दिखने लगेगा ना, और फिर से जब जीरो होगा तो यहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जीरो लेस देन फोटो का टोटल फोटो, ठीक है। इसको मैं टोटल फोटो गिन रहा हूं बार बार, तो आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इससे नहीं है कंफ्यूजन। फाइल नेम्स, फाइल नेम्स में क्या आ जाएगा, कितना नेम है फोटो का, मैंने टोटल फोटो हमने कितना ओपन करा है, उसमें जब काउंट मेथड चलेगा तो उसका संख्या बता देगा कि फोटो का टोटल साइज कितना है, मतलब कितना फोटो आपने ओपन किया है, तीन ओपन किया तो तीन बताएगा, पांच ओपन किया तो पांच बताएगा, ठीक। चलिए जी चलाते हैं प्रोग्राम, रन करता हूं मैं, ठीक है। मैंने फिर से इन तीनों फोटो को सिलेक्ट करा, कर दिया मैं ओपन, ठीक। अब क्या करता हूं, नेक्स्ट, तो कुछ नहीं हुआ जी, क्लिक भी नहीं हुआ, नेक्स्ट पे क्लिक करा, अगला फोटो आ गया ना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करा, अगला आ गया, फिर क्लिक करूं नेक्स्ट पे, कर देता हूं जी, आ गया इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक। तो क्या हो रहा है जी, यहां पे आ रहा है दो, तो इसका भी वैल्यू हो जाता है दो, और इसका भी वैल्यू हो जाता है, तो कंडीशन हो जाता है ट्रू, यहां भी बराबर भी दिया हूं ना, और फिर यहां पे एक जो है प्लस कर देता है, ठीक है जी, और फिर जो है हमारा एरर आ जाता है जी, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आप लोग बताएंगे मुझे, अब तो देख ही लिया होगा तो बताएगा क्या, आप लोग बताएंगे क्या करना चाहिए, क्यों नहीं बताओगे हैं, बोलो, अब तो दिखाई दिए करके तो अब बता के क्या फायदा हैं। तो ऐसे ही आप लोग कर लोगे, बड़ा कमाल का फीचर बन गया जी, नेक्स्ट नेक्स्ट करे जा रहा हूं मैं, कुछ हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब बैक पे कर दूं कोड, तो बैक पे कोड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कॉपी पेस्ट, ठीक है, आप लोग मत करना भाई कॉपी पेस्ट, ये तो मेरा गलत तरीका है, मेरे को यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए था, पर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा तो और भी तो समय ज़्यादा लेंथ हो जाएगा जी, समय और भी ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं जो है समय बचाने के लिए कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक। बैक बटन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसी को यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है जी, और
अब मैं यहाँ पे क्या कोड लिखूं, यहाँ पे क्या कोड लिखा जाएगा आप लोग बताएंगे क्या मुझे? जस्ट उल्टा कोड लिखना है, उल्टा लूप चलाना है। उल्टा गिनती आप लोग प्रिंट किए वो लूप में ना? नहीं किए? 100 से 1 तक उल्टा लूप चलाया आपने? नहीं चलाया? नहीं चलाया आपने? अब आप लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हम घरे आके तो नहीं कराएंगे जी, आप लोग को खुदे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, ये जो इंडेक्स है, ठीक है, इसको क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, काम करेगा नहीं करेगा बताइए आप लोग? ऐसे कर दूं, नहीं करूं, कर दूं ना करूं बताओ? कर दें, चलिए जी कर देते हैं। यहां 0 कर दूं? मैं ये चाह रहा हूं कि इंडेक्स का वैल्यू कितना है मेरे को कोई लेना देना नहीं है जी उससे, ठीक, बस इंडेक्स का वैल्यू अगर बड़ा है 0 से, ठीक, तो क्या कर दो जी उसको, क्या कर दो, माइनस कर दें, प्लस कर दें, नहीं बताओगे? माइनस कर दें, चलिए जी कर देते हैं माइनस, जब आप लोग कह रहे हैं तो, लेकिन समस्या होगा तो हमको मत कहना जी, ठीक, कर देता हूं मैं माइनस आपके कथनानुसार, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंडेक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर इंडेक्स बड़ा है 0 से तो क्या करो, इंडेक्स में 1 माइनस कर दो, ठीक है, अन्यथा क्या कर दो जी, टोटल फोटो का इंडेक्स दे दो इसमें, टोटल फोटो डॉट काउंट डॉट माइनस 1, ठीक ठीक है, तो काम करेगा जी? मैं आप पे छोड़ देता हूँ, काम करे या ना करे आप लोग बनाइएगा, इतना मैंने बता दिया तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा जी, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट करा, ठीक, कर देता हूँ मैं नेक्स्ट, आ गया नेक्स्ट फोटो, फिर कर देता हूँ नेक्स्ट, आ गया, बैक करूँ तो बैक जाएगा, ये तो चला गया जी, फिर बैक कर दूँ, फिर आ गया, फिर बैक कर दूँ, ये तो बड़ा कमाल का आपने कोड बता दिया है, क्यों बता दिया ना? नहीं बताया? कितने तेजस्वी लोग हैं इधर, नहीं है? चलिए जी, तो आ गया, लास्ट काम कर रहा है, फर्स्ट काम कर रहा है, नेक्स्ट को मैं दबाए जा रहा हूँ फिर भी काम कर रहा है, ठीक है, और बैक को भी मैं दबाए जा रहा हूँ फिर भी काम कर रहा है, एक्सेप्शन वगैरह नहीं आया। तो आप लोग कृपा करिए मेरे ऊपर थोड़ा सा, और जरा बताइए कि आप लोगों को कहीं कोई समस्या है क्या? एक बार फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, कर दिया बड़ा इसको, कर देता हूँ इसको ओपन, ठीक है, और इसको इतना सारा फोटो सेलेक्ट कर दिया और कर दिया ओपन, ठीक, लास्ट काम कर रहा है, फर्स्ट काम कर रहा है, ये देखिए लास्ट भी काम कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट काम कर रहा है, ठीक है, कर रहा है काम, मैं दबाए जा रहा हूँ काम कर रहा है, बैक पे क्लिक कर रहा हूँ काम किए जा रहा है जी, ठीक है। इस फोटो को मैं अब सेव करूँगा तो क्या सेव नहीं होगा? होगा, सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया तो क्या काम नहीं करेगा अब, सेव नहीं होगा? ए? होगा, सेव भी है भैया, होगा, सेव कर दिया जी। अब मैं ओपन करता हूँ फोटो, ठीक है, तो इधर सेव नाम से फोटो कहीं होगा, ये देखिए सेव नाम से है ना, ये देखिए आ गया। अब ये कहने लगा इंडेक्स वाज आउटसाइड बाउंडरी, पता नहीं क्या क्या कह दिया जी, मजा नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए जी, जरा आप लोग बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। ओपन डायलॉग बॉक्स पे यहाँ पे मैं आके इंडेक्स को क्या कर देता हूँ जी, 0,
चलिए जी, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? है दिक्कत? नहीं है? ये देखिए, किसी को कुछ दिक्कत है? ये देखिए, बराबर काम कर रहा है ना, एक ठो मैंने सिर्फ फोटो ओपन करा, ठीक है, तो कोई दिक्कत है किसी को? और एक बार मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम आपके लिए, ऑल सेलेक्ट करिया और मैं ओपन कर दिया जी, काम कर रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है जी तो आप लोग पूछ लीजिए, और दिक्कत नहीं है तो कह दीजिए हमको कोई समस्या नहीं है, ठीक, तो ये प्रॉपर अभी काम कर रहा है गैलरी, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो नेविगेशन हमने बनाया है ना, फर्स्ट नेक्स्ट बैक लास्ट, ये मैं गैलरी बनाने के लिए फर्स्ट नेक्स्ट इस लॉजिक का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप MP3 प्लेयर बना रहे हैं, ठीक, तो वहां पे भी यही फर्स्ट नेक्स्ट बैक लास्ट का, इसमें जो मैंने टेक्निक यूज किया है ना, वही टेक्निक MP3 प्लेयर जब आप बनाएंगे तो बहुत सारा गाना एक साथ बजाने के लिए वहां पे भी ये टेक्निक का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? वहां पे भी इस तरीका का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक। डेटाबेस से आप डेटा ला रहे हैं, उसको भी आगे पीछे नेक्स्ट प्रीवियस बैक करने के लिए, फर्स्ट नेक्स्ट के लिए आप कर सकते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल, ठीक है। तो आप लोग इन सारे टेक्निक का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। कोई समस्या है आप लोगों का तो अब मुझे बताइए, मैं इसको बड़ा कर देता हूं विंडो, ठीक है। आप लोग सारा कोड, समय कितना हो गया जी, 42 मिनट ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे लोग इसका जो है फोटो खींच लीजिए जी, एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग बदलता है लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग वही, कोड लिखने का तरीका बदल जाता है जी, ठीक है, लॉजिक तो वही काम करता है। अब इस लॉजिक को मैं चाहूं तो जावा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर लूं, सी शार्प में इस्तेमाल करूं, जावा में इस्तेमाल कर लूं। सबसे पहले मैं सी शार्प में बनाया था इसको, जावा स्क्रिप्ट में भी मैं बनाया था इसे, विजुअल बेसिक में भी आपके सामने बनाया हूं, तो लॉजिक वही रहते हैं प्रोग्रामिंग के। नीचे स्क्रॉल कर दूं, आपने सेव बटन पर तक खींच लिया है, ठीक, ले लीजिए, ये फर्स्ट बटन है, रुकना मैं व्हाइट स्पेस थोड़ा कम करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा होगा भी नहीं कम, आप खींच लीजिए फोटो, मैंने क्या करा है, मैंने कुछ कोड को रिपीट करा है, जैसे ये कोड है, यहाँ पे रिपीट कर दिया, यहाँ पे रिपीट कर दिया, इसका ना आप चाहो तो फंक्शंस भी बना सकते हो, ठीक, कोड को और जनरलाइज किया जा सकता है, फंक्शंस बना सकते हो आप, मैं बना के दिखाऊं या आप बनाने का कोशिश करोगे एक बार, कोशिश करोगे? क्या बात है, कितने तेजस्वी लोग हैं इधर, क्यों? चलिए आप लोग कोशिश करिएगा, मेथड में बनाने का नहीं बनेगा अगर आपसे तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए एक लास्ट चीज आपको मैं बता देता हूं, वो पिक्चर बॉक्स के रेस्पेक्ट में, क्या ओ नीचे बाकी है क्या यार, मैं भूल गया था, यहां तक खींचे थे ना, ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी खींच लीजिए जी आप फोटो, बाकी प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ सेट करा है वो सब तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। हो गया,
हो गया ना। चलिए जी, मैं इस पिक्चर बॉक्स को क्या करता हूँ, साइज छोटा कर दिया। ठीक, इस पिक्चर को मैंने कॉपी करा और यहीं पे कर दिया पेस्ट। ठीक आ गया जी, आप लोग देखा मैंने क्या करा, मैंने इसी पिक्चर बॉक्स में कंट्रोल सी दबाया इसमें और यहीं पे कंट्रोल वी दबाया तो ये इधर बन गया। ठीक है, इस पिक्चर बॉक्स का क्या नाम है, इस पिक्चर बॉक्स का नाम है पिक्चर बॉक्स 2। ठीक, ये देखिए है पिक्चर बॉक्स 2 है ना। चलिए जी, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना था, मैं क्या बताने वाला था आप लोगों को, मैं भूल रहा हूँ जी मैं क्या बताने वाला था। नहीं याद आ, हाँ कॉपी पेस्ट याद आ गया। मैं ये चाहता हूँ ना कि प्रोग्राम मैंने रन करा, ठीक है, मैंने फोटो ओपन करा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ और कॉपी कर लूँ, ठीक, और यहाँ पे आऊँ और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँ, कर दूँ। चलिए जी, राइट क्लिक किसको कहा जाता है जी, राइट क्लिक जो है कंटेस्ट मेनू कहलाता है। ठीक, कंटेस्ट मेनू मतलब राइट क्लिक। ठीक, तो इसमें कंटेस्ट मेनू कहीं दिख रहा है जी, सी से कलर कॉन्टेस्ट मेनू ये है, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जी, आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आया मैंने, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, क्या कर दूँ, कॉपी कॉपी। ठीक हो गया, ठीक है जी, सो शॉर्टकट्स इनेबल, कॉपी कर दिया जी मैं। अब इसको जो है इस पिक्चर बॉक्स के साथ लिंक करना होगा, जोड़ना होगा इस कंटेस्ट मेनू को, तो कैसे करूँगा, मैं आऊँगा इधर, इसमें देखूँगा कंटेस्ट मेनू है, तो ये देखिए कंटेस्ट मेनू यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने इसको लिंक कर दिया, ऐसे हो गया। रन करता हूँ मैं प्रोग्राम, ठीक है, अब मैं इस पे जाके राइट क्लिक किया तो ये देखिए कॉपी का साइन आ गया ना, इस पे क्लिक करूँ तो मेरा फोटो कॉपी हो जाए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ। ठीक, चलिए जी, मैं इस कंटेस्ट मेनू पे क्लिक किया और फिर इस कॉपी पे आके डबल क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, कॉपी कंटेस्ट मेनू आइटम पे क्लिक इवेंट जो है खुल गया, खुल गया ना। अब मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू करता हूँ कॉपी के लिए। सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ, इज नथिंग, इज नथिंग में क्या डाल दूँ मैं, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज, ठीक है, इज नथिंग है तो क्या हो जी, नॉट कर दूँ क्या यहाँ पे, ये लो। ठीक, इसका क्या मतलब हो गया, नॉट इज नथिंग मतलब उल्टा, अगर इसमें कुछ है मतलब इमेज सेट है तो क्या करो, ये वाला कोड चले, और कोड चले तो क्या हो जाए, क्लिप बोर्ड, कोई भी डेटा हम कॉपी करते हैं तो कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में, तो हम लिखेंगे यहाँ क्लिप बोर्ड डॉट, क्या करेंगे, क्लिप बोर्ड डॉट गेट डेटा, गेट ऑडियो हो सकता है, डेटा हो सकता है, ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकता है, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट हो सकता है, मैं यहाँ पे करता हूँ गेट इमेज। ठीक, गेट इमेज, नहीं नहीं गेट इमेज नहीं होगा, यहाँ पे सेट इमेज होना चाहिए ना, सेट इमेज। ठीक, अब सेट इमेज कहाँ से सेट करें इमेज, ऐसे कर देता हूँ जी यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज। ठीक, ऐसे कॉपी हो जाएगा, ऐसे कॉपी करूँगा तो
देखता हूं कॉपी होता है या नहीं। ओपन पे मैंने क्लिक करा, ठीक है, इस पे ओपन करा, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया। कॉपी हो गया होगा नहीं हुआ होगा पता लगाना है, तो खोलता हूं मैं एमएस वर्ड ऐसे, ठीक, और यहां पे आके कंट्रोल वी दबा दिया। ये तो सच में पेस्ट हो गया जी, मतलब कॉपी हो गया था, राइट, हो गया ना। चलिए जी, अब मैं क्या चाह रहा हूं ना, ये वाला जो फोटो है इसको भी कॉपी करूं मैं और कहां पेस्ट कर दूं, इस वाले में, ठीक। चलिए जी, कर देते हैं पेस्ट। एक कंटेस्ट मेनू और बनाता हूं मैं, ठीक है, कहां गया कंटेस्ट मेनू, ऊपर होता है ना, सी, यही है ना, इसको भी ले लाया। एक कंटेस्ट मेनू टू है जो मैं पिक्चर बॉक्स टू के लिए इस्तेमाल करूंगा, ठीक। पिक्चर बॉक्स टू में सेलेक्ट किया और इधर से आ गया कंटेस्ट मेनू, ये वाला है, और इसमें सेट कर दूंगा टू वाला, ठीक। आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या एक ही कंटेस्ट मेनू से दोनों में काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं जी, बड़ा आसान है, ठीक, पर मैं तो कह दिया आसान है, लेकिन आपके लिए समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कॉम्प्लिकेशन करूं, इवेंट ट्रिगर करूं और मैं कंट्रोल का नेम निकालूं और फिर वहां से कंडीशन लगाऊं, कंफ्यूजन बढ़ाऊं, इसलिए मैं सीधा आसान समझा के ले लेता हूं दूसरा, ठीक। यहां पे क्या कर दूं जी मैं, पी ए एस टी, यही है स्पेलिंग, पेस्ट कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं कॉपी, ठीक। इसमें मैं दो ठो बना लिया, पेस्ट पे मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा, ठीक, आया। फिर मैं क्या करूंगा जी, पिक्चर बॉक्स टू डॉट इमेज इक्वल टू क्लिप बोर्ड डॉट गेट इमेज। क्लिप बोर्ड में क्या करो, क्लिप बोर्ड का गेट करो इमेज, और इमेज गेट करके कहां रिटर्न कर दो, इस इमेज में ही रिटर्न कर दो। समझ में आया आप लोगों को, आपने पढ़ा था ना कि फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, तो ये फंक्शन गेट इमेज क्या करेगा, फोटो रिटर्न करेगा, और वो फोटो कहाँ चला जाएगा, पिक्चर बॉक्स के इमेज प्रॉपर्टी में, और दिखने लगेगा जी, ठीक है ना। रन कर दूं प्रोग्राम, कर देता हूं जी मैं रन। अब मैं यहां पे आता हूं, इसमें राइट क्लिक करता हूं, करता हूं जी मैं कॉपी, और मैं यहां पे आता हूं, यहां पे राइट क्लिक करके कर देता हूं पेस्ट। ये तो सच में चला गया जी, कितना कमाल का बात है ना। चलिए जी, यहाँ पे ओपन पे आता हूँ, फोटो ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक किया, इसमें आ गया, कंट्रोल सी दबा, कंट्रोल सी, कितना बढ़िया होता ना, कंट्रोल सी दबा देते थे कॉपी हो जाता होता ना, बना के देखते हैं जी। यहाँ पे कॉपी पे मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे फिर कंट्रोल राइट क्लिक मारा और पेस्ट बटन पे क्लिक कर दिया, तो पेस्ट हो गया। इसका प्रॉपर्टी स्ट्रेच नहीं है ना, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी स्ट्रेच होता, ठीक है, तो क्या हो जाता, तो प्रॉपर्टी को स्ट्रेच कर देंगे हम, इधर आके किधर गया, बॉर्डर स्टाइल एंकर इधर है, साइज है यार, स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, हो गया जी, ठीक है। ओपन इमेज, ये है राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, हो गया, हो गया ना, बड़ा आसान चीज है। चलिए जी, तो किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो जी बताइए आप लोग, कंफ्यूजन नहीं है तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। क्यों,
तो कोई कन्फ्यूजन है किसी को? नहीं है कुछ पूछना है तो पूछ लो जी। क्यों नहीं पूछोगे? पूछ लो भाई। नहीं पूछोगे? कोड आप लोग देख लीजिए एक बार, कोड में क्या लिखा है। इसमें कुछ एक्सेप्शन वगैरह आएगा, ठीक है। ले लीजिए जी, कुछ एक्सेप्शन वगैरह आएगा तो आप कॉपी पेस्ट वाला भी फोटो खींच सकते हैं। रिकॉर्डिंग को मैं थोड़े देर के लिए बंद कर ले रहा हूँ, आप खींच लीजिएगा तो चालू कर दूँगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए ना कि फोटो तो खींच लिया होगा सभी लोगों ने, मान लीजिए हम पेस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फोटो आई नहीं क्लिप बोर्ड में, हो सकता है शायद एक्सेप्शन आ जाए, तो क्या करिए, इफ क्लिप बोर्ड डॉट कंटेन इमेज, अगर कंटेन करता है इमेज जी तो आप इशू कर दीजिए पेस्ट, अन्यथा कुछ ना चले, हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक ठीक है ना। चलिए जी, तो इतना ही फोटो है कॉपी पेस्ट का, इतना ही मतलब कोड है कॉपी पेस्ट का, बाकी तो आपने डिजाइन टाइम पे देख ही लिया। कोई कुछ पूछना चाहते हैं जी तो पूछ लीजिए, और नहीं तो हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। क्यों बंद कर दें? चलिए जी बंद कर देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, कुछ दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिएगा।